मुंडा पांडे ट्रक की वायरिंग में लगी आग। आग लगने से हाईवे पर मची अफरा तफरी। सोमवार की शाम के समय बिहार से कोयला लादकर ला रहे ट्रक में भीषण गर्मी पड़ने से वायरिंग में आग लग गई। ट्रक में आग मुंडा पांडे थाने के करीब में लगी। आग की लपटें देखकर थाना मुंडा पांडे पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। ट्रक चालक ने बताया कि मैं ट्रक बिहार से कोयला लादकर मेरठ जा रहा था कि वायरिंग में आग लगनी शुरू हो गई, जिसके बाद मैंने ट्रक से उतरकर थाना मुंडा पांडे पुलिस को मौके पर बुला लिया। थाना मुंडा पांडे पुलिस ने सूझबूझ के साथ तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया और ट्रक को जलने से बचा लिया। आग लगने से हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद हाईवे पर वाहनों को पुलिस द्वारा सुचारू कराया। जब हमारी टीम ने अग्निशमन अधिकारी से बात की तो मुकेश कुमार जी ने बताया कि जैसे ही हमें रामपुर रोड पर एक ट्रक में आग लगने की सूचना मिली तो हमने अपनी आग बुझाने वाली दो गाड़ियों को तुरंत रवाना किया और हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और दोनों तरफ का ट्रैफिक सही तरीके से चलना चालू हो गया। इमरान भैया, क्या घटना हुई आज यहाँ आपकी गाड़ी जो मुंडा पांडे पे खड़ी है? ये घटना हुई है, अभी 3 किलोमीटर पहले से चले पंजाबी ढाबे से, वहाँ से चलने के बाद में इसकी वायरिंग शॉर्ट होने से आग लगी। जब तक गाड़ी रोकी और रोक के नीचे बताने की कोशिश करी पर यह कुछ ना पाई। गाड़ी में क्या माल था भाई साहब? गाड़ी में माल कोयला लोड है। कहाँ से कहाँ के लिए जा रही थी ये? डेरी ओन सोन से आई थी बिहार से। और कहाँ पर जा रही थी? मेरठ जा रही थी। क्या वजह थी ऐसी जो आग लगी है? वायरिंग शॉर्ट होने। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे थे अभी से लेकर? मेरठ जा रहे। अच्छा, आप इस टाइम कहाँ पर आने? फ्लाई ओवर के ऊपर। अच्छा भैया, आपने प्रसाद इसकी सूचना किसे दी थी? ये आते 100 नंबर वालों को बुलाया। हमारे फायर स्टेशन हेलेट रोड पर लगभग 20:18 पर सूचना मिली कि मुंडा पांडे क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक में आग लगी। उस सूचना पर तत्काल हमारी फायर सर्विस यूनिट अग्निशमन अधिकारी कटघर दो फायर टेंडर लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुई। जाकर देखा कि एक ट्रक में भयानक आग लगी थी, उसके टायरों में काफ़ी लपटें निकल रही थी, तो हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से पहुंचकर उस आग पर काबू पाया। आग बुझाने के उपरांत जानकारी करने पर पता चला कि एक ट्रक जिसमें कोयला भरा था वो बरेली साइड से मेरठ दिशा में जा रहा था और उसमें आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल था, ट्रैफिक की भी कुछ दिक्कत आई, लेकिन हमारी टीम ने बहुत जल्दी पहुंचकर उस पर आग पर काबू पाया। कितनी गाड़ी लगी आग बुझाने? हमारी 2 मोटर फायर इंजन ने कंट्रोल आराम से नियंत्रण कर लिया था। सर, कितनी भयंकर आग थी और क्या 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 दिक्कतें रही? दिक्कत ये कि उसमें कोयला भरा हुआ था तो नीचे से जैसे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि आग किस वजह से लगी, क्योंकि टायरों में आग लगी हुई थी तो उसमें टायरों की आग लगने से फिर आग उसमें कोयले में ऊपर लगी और उसमें ट्रैफिक होने की वजह से थोड़ा दिक्कत का तो सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल वहाँ पर मौजूद था और हमने बहुत जल्दी आग पर काबू पाया।